तहसील भवन बनवाए जाने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर कहा गया है कि जिस तरह से पुराने भवन हैं उनके जरिए नए भवन बनवाने चाहिए, ऐसा सिंधिया ने अपने पत्र में लिखा है। और वो कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कमलनाथ सरकार काफी कमजोर है और वो काम करती हुई नजर नहीं आ रही। आपको बता दें, इसके लिए जिला कांग्रेस महामंत्री और वकील राम हरी शर्मा द्वारा सिंधिया को अवगत कराया गया था। बताया गया था कि मेगांव अपर जिला और सत्र न्यायालय के लिए नया भवन बनाया गया है, इसमें कामकाज भी शुरू हो गया है, पर तहसील राजस्व न्यायालय पुराने भवन में ही संचालित है। इसी को लेते हुए सिंधिया द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार को सर्व सुविधा युक्त राजस्व न्यायालय भवन बनवाना चाहिए। जिस तरह से अगर नए भवन बन गए हैं उसमें काम स्टार्ट हो जाना चाहिए, ना कि पुराने भवन में ही रहकर काम शुरू करें। उन्होंने कहा है कि नए भवन अगर बने हैं उसमें कामकाज होना चाहिए। जनहित को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार यानी कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये सब कुछ कहा है। SPN9 न्यूज से नाजमिन की रिपोर्ट।